इसको आज का ही दिन मिला था छुट्टी करने के लिए। पता है मेरी तबीयत कितनी खराब है, अगर छुट्टी करनी थी तो मुझे पहले बता देती। हनी सॉरी, वो काम वाली ने मुझे बता के गई थी कि वो छुट्टी पे रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या तुम मुझे बताना भूल गए? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो दोपहर के 12 बजे? अगर तुम मुझे सुबह बता देते कम से कम मैं घर का काम तो कर लेती। तुम्हें पता है पूरे घर का काम फैला पड़ा है, अब तुम्हें मेरे साथ ना पूरे घर का काम करवाना पड़ेगा। हनी तुम एक काम करो, तुम उसका कॉल करो, वो उठा लेगी कॉल और वो आ जाएगी। और मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक काम करो, कॉल करो, वो उठा लेगी और आ जाएगी वो। वैसे भी ना तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है, आ जाएगी वो, करो कॉल। अच्छा मेरी तो सहेली है वो, मैं ही तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ। तुम करो कॉल, मैं आता हूँ। हेलो कांता। हाँ दीदी नमस्ते। यार प्लीज घर पे आ जा आधे घंटे के लिए। दीदी वो हमने साहब जी को बताया था ना कि आज हम छुट्टी पे हैं। यार तुझे पता है ना कि तेरे साहब कितने बड़े भुलक्कड़ हैं, वो मुझे बताना ही भूल गए। और कल रात से ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा, प्लीज आ जा यार। ठीक है दीदी, हम ना एक घंटे के लिए आ जाएंगे। वो ना क्या है, आज हमारे घर में ना हमारी ननद आ रही है। हाँ हाँ कोई नहीं, तू आ जा लेकिन। ठीक है ओके। भाभी वो ना हम चलते हैं, आपको बताया था ना आज ननद आने वाली है तो हमें घर जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक, ये देख मैं ना तेरे लिए 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ, देख कर बता कौन सी अच्छी लगी तुझे। अब आपने पसंद की है तो अच्छी है। अरे मैंने पसंद की है तभी तो मैं लेकर आई हूँ, और मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी। देख एक साड़ी तो बनारसी है और एक राजस्थानी, तो तू बता ना तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। अब दीदी हम क्या बोले, आपने पसंद की है तो अच्छी होंगी। अरे यार मैंने खरीदी है, मुझे तो दोनों ही पसंद है ना। एक काम कर तू ना दोनों ही लेकर जा, और अपनी ननद से पूछ के बताना कि उसे कौन सी अच्छी लगी। वैसे एक बात बोलूँ, ये साड़ियाँ ना दोनों ही तेरी हैं। अरे नहीं बाबा हम उन्हें नहीं दिखा सकते। क्यों वो ले लेंगी क्या? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना हमने उनको बताया नहीं है कि हम यहाँ नौकरानी का काम करते हैं, आपके घर की साफ सफाई करते हैं, और उनको पता चल गया ना तो वो कभी हमारे घर नहीं आएंगी, और दी समाज में हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी ना थोड़ी, इसलिए। क्यों कांता क्या प्रॉब्लम है उन्हें? जैसे मैं बाहर जाके जॉब करती हूँ वैसे तुम यहाँ पर आके जॉब करती हो। अरे दीदी आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन आप तो ऑफिस जाती हैं और हम तो छोटा मोटा घर का काम करते हैं, लोगों के झूठे बर्तन साफ करते हैं ना। मेहनत का काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा उसे हमारी सोच बनाती है। और वैसे तू कोई गलत काम नहीं करती, पहले तो तेरे पति को भी पसंद नहीं था ना कैसे घर घर जाके तू किसी का काम करे, किसी का झूठा साफ करे, लेकिन जैसे ही तूने घर में काम करके अपने पति के हाथ में 4 पैसे रखे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तो उनको भी तो अच्छा लगता है ना, तो वो भी तुझे रोक टोक नहीं करते, वो भी तुझे जाने देते हैं। और तुझे एक बात बोलूँ, मैं भी कोई खानदानी रईस नहीं थी, मेरी मम्मी भी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और मैं उनकी उसमें मदद करती थी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया हमारी पढ़ाई लिखाई पर, हमें इतना पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और कांता तुझे एक बात बोलूँ, सबसे ज़्यादा फोकस तुझे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर करना है, ताकि वो आगे चल के और ज़्यादा अच्छे मुकाम पर हो और तेरी लाइफस्टाइल सही कर सकें। और लोगों का क्या है, तू कुछ बहुत अच्छा काम भी करेगी ना तब भी वो लोग बात बनाएंगे, तू अगर चांद भी चली जाएगी ना वो लोग गॉसिप करना कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं तो यही बोलूंगी, लोगों को छोड़ दे वो लोग क्या सोचते हैं, तू बस अपने घर परिवार और अपने बच्चों पर ध्यान दे, उन पर फोकस कर। समझ गए दीदी हम। चल समझी तो सही। हाँ भाभी आप एकदम सही कह रही हैं, जिस काम से हमारा खर्चा पानी निकल जाता है, बच्चे 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, हम उसी काम से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, उसी काम को कोस रहे थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। अब आपके बताने के बाद ना भाभी हम अपने काम पे ना गर्व करेंगे, शर्माएंगे नहीं। अब हम मेहनत से कमा के खा पी रहे हैं, कोई चोरी चकारी तो ना कर रहे हैं जो शर्म करें। चल अच्छा हुआ देर आई, लेकिन समझ तो आई तुझे। हाँ भाभी अब हम आपकी तरह इतने पढ़े लिखे तो नहीं है जो समझदारी वाली बातें करें, पर हम ना अपने बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, ताकि वो आपकी तरह ना बड़े आदमी बने, आपकी तरह ऑफिस जाए ऐसे बैग टांग के। और हाँ दीदी इन 2 साड़ी में से ना 1 साड़ी हम अपनी ननंद को देंगे, और हम बताएंगे कि आपने दी है, शर्माएंगे नहीं। और हाँ मैं ये भी बताऊंगी कि मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। ठीक है, लेकिन इन साड़ियों में से जो साड़ी तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो ना तू वही रखियो। जी दीदी धन्यवाद दीदी, अब हम चलते हैं, ननंद आने वाली होगी।